डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाओं के चौथे प्रकार मंद एवं तीव्र अभिक्रिया को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। आज हमें अभिक्रियाओं के चौथे प्रकार मंद एवं तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, मंद मंद का मतलब धीमी गति से चलने वाली अभिक्रियाएं, यानी कि स्लो। तीव्र तीव्र का मतलब तेजी से होने वाली अभिक्रियाएं, यानी कि फास्ट, स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं वेग, वेग का मतलब है इनका स्पीड, ठीक है, अधिक वेग से होती हैं या कम वेग से होती हैं, अर्थात लगने वाले समय के आधार पर। देखिए, जो अभिक्रियाएं अधिक वेग से होंगी, यानी कि जिन अभिक्रियाओं की गति तेज होगी, वेग ज़्यादा होगा, वो तीव्र अभिक्रिया कहलाएगी, और जिस अभिक्रिया का वेग कम होगा वो मंद अभिक्रिया कहलाएगी। कहने का मतलब, तीव्र अभिक्रिया कम समय लगाएगी, जल्दी हो जाएगी, और मंद अभिक्रिया अधिक समय लगाएगी, यानी कि वेग अर्थात लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, मंद और तीव्र। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं तीव्र अभिक्रिया की, कि तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं। वे अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं, यानी कि बिल्कुल फास्ट होती हैं। जो ही अपन अभिकारकों को मिलाएंगे, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको जो ही अपन मिलाएंगे, तुरंत मिलाते ही NaCl लवण बन जाएगा और H2O जल बन जाएगा। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए, इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, Na+ है, OH-, H+, Cl-, तो ये Na+ Cl, NaCl जो है Cl है, Na+ और Cl माइनस वाला ये लवण बन जाता है। जैसे कि प्रबल अम्ल, देखिए यहाँ एग्जांपल दिया गया है प्रबल अम्ल का, HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल क्षार NaOH एक प्रबल क्षार है, के मध्य अभिक्रिया 10^-10 सेकंड, यानी कि 10^-10 सेकंड के अंदर ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कि सेकंड का भी हिस्सा है, सेकंड के भी -10 हिस्से के अंदर यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है, इतना कम समय लगता है। तो यहां लिखा है 10^-10 सेकंड। एक चीज और आपको यह अभिक्रिया देख के थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, ये अभिक्रिया जो है, ये एग्जांपल है उदासनीकरण अभिक्रिया का। उदासनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे हम उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर यह अभिक्रिया पिछले वीडियोस में हमने कई बार समझी थी, पिछले पार्ट के अंदर भी इसको समझा था। चलिए फिर आगे देखते हैं अपन, एक एग्जांपल और है इसका, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो HCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब होता है जो पेंदे में जमा हो जाए नीचे की तरफ, किसी पात्र में, किसी बर्तन में जो अपन अभिक्रिया करवाते हैं, तो जब वो नीचे की तरफ जमा हो जाता है तो उसे अपन अवक्षेप कहते हैं। और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनता है साथ में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते ही सिल्वर क्लोराइड HGCl, ये रहा सिल्वर क्लोराइड HGCl का श्वेत अवक्षेप आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत कम समय लगता है। एक अगला एग्जाम्पल जो इसमें आगे और आ रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की गति भी बहुत तेज होती है। जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधों में पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल है, उसमें उसके कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी बहुत तीव्र होती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, यानी कि टी हाफ लिखा है, हाफ यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब आधा होता है,
टी मतलब टाइम, टाइम यानी कि समय, ठीक है। काल, काल को अपन समय कहेंगे, और अर्ध, अर्ध यानी आधा यानी कि 1/2, कितना समय लगेगा, 10^-12 सेकेंड। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब आधी होती है तो उस समय इसमें 10^-12 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, ये इसमें नीचे बताया जा रहा है, इसकी परिभाषा क्या है कि अभिकारकों की आधी मात्रा, जैसे ये अभिकारक है, ठीक है, कि आधी मात्रा को उत्पाद में, ये अभिकारक है, इनकी आधी मात्रा उत्पाद में बदल गई, ठीक है, ये पूरा का पूरा उत्पाद में बदलेगा, लेकिन जब इसकी आधी मात्रा बदल जाती है तो जो समय लगता है आधी मात्रा में को उत्पाद में बदलने में लगा समय ही उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है, अर्ध यानी कि आधा आयुकाल कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के अर्ध आयुकाल की बात कर रहा है, कितना होता है, टी हाफ, टी 1/2, यानी कि अर्ध आयुकाल 10^-12 सेकेंड का समय लगता है। इसी प्रकार से फिर अपन दूसरा पढ़ेंगे इसमें, मंद अभिक्रिया। तो देखते हैं, चलिए, मंद अभिक्रिया में क्या है, नाम ही क्या, मंद यानी कि धीमी गति से होने वाली, ऐसी अभिक्रिया जो धीमी गति से होगी वो अधिक समय लेगी, ज्यादा समय लगेगा। कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा होने में घंटे यानी कि कई घंटे या दिन, कई दिन लग जाते हैं या कई साल भी लग जाते हैं, ठीक है, इन्हें मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रहती है, आपने देखा होगा अपने घरों में जो लोहे के उपकरण है या औजार है वो धीरे धीरे कई वर्षों के अंदर उनका संक्षारण होता है, संक्षारण कहते हैं, जंग लगने को संक्षारण भी कहा जाता है। तो ये कई वर्षों या कई दिनों में होने वाली प्रक्रिया है जो मंद रासायनिक अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है। यहां देखिएगा, ये जंग लगने की अभिक्रिया को समझा रहा है, एफ ही एफ यानी कि लोहा, आयरन, ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है, H2O, ये H2O जो है ये जलवाष्प हो सकता है यानी कि पानी की भाप हो सकती है, नमी हो सकती है, वायुमंडल में जो जलवाष्प की नमी है वो भी हो सकती है यानी कि पानी की मात्रा। ऑक्सीजन और जलवाष्प, इन दोनों की उपस्थिति में ही लोहे को जंग लगेगा, अगर ऑक्सीजन भी नहीं है और जलवाष्प भी नहीं है तो लोहा जो है वो संक्षारित नहीं होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। परंतु जब लोहे के वायुमंडल में O2 उपस्थित होती है और नमी, बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में जब नमी होती है वायुमंडल में, जलवाष्प होती है, तो उससे उसका संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाता है। और ये जंग का जो सूत्र है, ये एग्जाम के अंदर एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, लिखिए, तो आपको ये सूत्र जरूर याद रखना है इतना, ठीक है, या जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए तो आपको ये पूरा रासायनिक समीकरण लिखना है। तो Fe2O3 डॉट लिखा है 3H2O, यानी कि इसके साथ में जल के जो अणु हैं, जलवाष्प के अणु, वो 3 जल के अणु होते हैं, जलवाष्प के अणु पाए जाते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी गया है। इसके अदर जो एग्जाम्पल है वो देखिएगा आप, कि यहाँ ये पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक अभिकारक है, इसको अपन ने गर्म किया, ये जो निशान है त्रिभुज का, इसका मतलब गर्म करने पर, यहाँ पर ये पोटेशियम क्लोराइड तो ये है और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर भी काफी समय लगता है, मंद अभिक्रिया है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH, ये अम्ल है और ये एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब एथेनॉल के साथ होती है, एथेनॉल यानी कि एल्कोहल, ठीक है, इसको एथेनॉल भी कह सकते हैं या एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, सामान्य भाषा में शराब या मदिरा भी इसको कहा जाता है। जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवाते हैं, ये दोनों क्रियाकारक हैं, तो यहाँ पर एथिल एसिटेट बनता है और जल बनता है, ये भी काफी समय, कुछ घंटों में होने वाली अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उसमें चौथा प्रकार यानी कि मंद और तीव्र अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। आगे के जो अगले वीडियो में हमें अभिक्रियाओं के प्रकार में जो पांचवा और अंतिम प्रकार है अपने सिलेबस में, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।